नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत स्पेशल होने वाला है और टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी 50 ईटीएफ क्या है, ये निफ्टी 50 ईटीएफ, और इसकी सारी डिटेल्स भी दूंगा, साथ के साथ ऐसे कुछ कंपनीज के एग्जांपल दूंगा जिसमें आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है और ये एक जानकारी की स्पेशल वीडियो है कि ईटीएफ इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। जनरली होता क्या है कि इक्विटी शेयर में सब लोग इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड में करते हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ निफ्टी 50 ईटीएफ। तो निफ्टी 50 ईटीएफ होता क्या है कि ये एक तरह का होता है कि भाई आप कम लागत में बहुत ही अच्छा दमदार रिटर्न इसमें कमा सकते हैं और कम समय में, जैसे 3-4-5 साल में या 1 साल के लिए भी आप करते हैं तब भी आप बहुत अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। इसकी खासियत यह होती है कि ये एक तरह का सेफेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, और इसको मैं इस तरीके से भी लूंगा कि स्टॉक का अगर हम कंपैरिजन करें कि स्टॉक वर्सेज ईटीएफ तो क्या बेस्ट है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि निफ्टी 50 ईटीएफ जो होता है वो एक तरह का, जैसे आप इक्विटी में पैसा लगाने की बजाय, एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है और सेम, बस थोड़ा सुरक्षित होता है। और सुरक्षित जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि म्यूचुअल फंड और इक्विटी शेयर के बीच में ये निफ्टी 50 ईटीएफ का इन्वेस्टमेंट है जो पूरी तरह से सुरक्षित होता है। और ये इसका और भी बेनिफिट क्या है वो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, तो आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत लंबा नहीं बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया है। जैसे कोरोना वायरस की अगर मैं बात करूंगा, तो कुछ टाइम पहले कोरोना वायरस की जो महामारी हुई थी उसके चलते बाजार जो है एकदम से अपने नीचे उतार चढ़ाव आपने बहुत ज्यादा लंबा बड़ा देखा भी है, और अब तो खैर फरवरी से इस साल में अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड अपना जो है बाजार अपने मैं हाई पर है और उसके बाद से बाजार हालांकि ठीक चल रहा है। अब पॉइंट की बात करते हैं, क्या है ये ईटीएफ। ईटीएफ म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर यह है कि ईटीएफ को केवल स्टॉक एक्सचेंज से खरीदा या बेचा जा सकता है, और जिस तरीके से आप शेयर खरीदते हैं ठीक वैसे ही एक्सचेंज के कारोबारी घंटे के दौरान ईटीएफ को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। और ईटीएफ के पोर्टफोलियो में तमाम तरह की ऑप्शन होते हैं, इनका रिटर्न इंडेक्स के जैसा ही होता है, जो भी शेयर बाजार में इंडेक्स लिस्टेड होते हैं वहां उन्हें खरीद और बेच आप सकते हैं। तो ईटीएफ आपको क्लियर हो गया होगा, ईटीएफ भी सेम वैसे ही होता है। और अगला पॉइंट इसमें यह बनता है कि क्यों ये ईटीएफ जो है बेहतर विकल्प, इसे क्यों बताया जाता है। तो इसका बेहतर विकल्प बताने का जो जो कहना है, तो उसके पीछे एक्सपर्ट्स की और हम सभी की राय यही होती है कि अगर जैसे देखेंगे कि कंजर्वेटिव जो इन्वेस्टर है वो ईटीएफ में अगर इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए ये एक बेहतर ऑप्शन होता है, और अमूमन ये खास एक तरह का इंडेक्स को ही ट्रैक करता है, ये इंडेक्स का ही रेप्लिका होता है। इंडेक्स में जितनी तेजी आएगी उतनी ही ग्रोथ में, मतलब इसको भी ग्रोथ होती है, और ये इंडेक्स में शामिल शेयरों में निवेश करता है। इसका मतलब है कि आपका पोर्टफोलियो खुद ही डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो अब आगे मैं आपको बताता हूं कि इसका जो बेस्ट पार्ट क्या होता है कि एक्सपेंस रेशियो जो होता है ईटीएफ का वो बहुत ही कम होता है। जैसे आप जानते होंगे कि हम म्यूचुअल फंड करते हैं और साथ के साथ इक्विटी शेयर में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस सेगमेंट में जैसे निफ्टी 50 ईटीएफ की जो विशेषता है या खासियत है वो यही है कि इस सेगमेंट में शामिल जो भी स्कीम होती हैं उनका एक्सपेंस रेशियो यानी कि खर्चे का जो रेशियो होता है वो बहुत कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कहने का कि आपके इन्वेस्टमेंट की लागत यहाँ कम हो जाएगी, और एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये है कि किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप अपने पैसे को जो मैनेज करने के लिए हर साल फंड हाउस को जो पेमेंट करते हैं वो बहुत कम बैठता है। तो एक्सपेंस रेशियो कम या ज्यादा होने से आप समझ सकते हैं कि अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि किसी भी फंड में सपोज कि आपने 10,000 रुपया निवेश किया है और फंड का एक्सपेंस रेशियो जो है 1.5% है, ऐसे में आपको फंड हाउस का जो एक्सपेंस रेशियो के रूप में 150 रुपये एक साल में भुगतान करने होते हैं। तो दूसरे तरीके से आप देखेंगे तो इसको ऐसे मान सकते हैं कि अगर आपने फंड में 10% का सालाना रिटर्न हासिल किया है तो आपका जो वास्तविक रिटर्न होगा वो करीब 8.5% रह जाएगा। इट मीन्स कि इसका एक्सपेंस रेशियो जो है ज्यादा होता है, तो उसके मुकाबले अगर आप देखें तो ईटीएफ का कम रहता है। तो ये इस तरह का इसमें बहुत बड़ा जो विशेषता है वो यही है कि इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। और टॉप रिटर्न देने वाले जो ईटीएफ फंड है, निफ्टी 50 ईटीएफ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी ईटीएफ निफ्टी 50 आता है, तो उसमें उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत कम है, 0.07% होता है। और SBI की जैसे आप देखेंगे एसेट देखें कंपनी की, तो वो भी करीब 10,000 करोड़ के आसपास है, 6 महीने का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो वो 19% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। 1 साल का रिटर्न करीब करीब 63% रहा है, 5 साल का लंबे समय के लिए अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो करीब करीब 15-16% का रिटर्न इनका बन जाता है। तो मान के चल सकते हैं कि अगर 5 साल के लिए आपने 1 लाख रुपये लगाए हैं तो वो उसकी जो वैल्यू बनेगी 5 साल के बाद में करीब करीब 2 लाख हो जाएगी, और ये बहुत ही सेफ होता है। और दूसरी कंपनी में अगर मैं बात करूंगा तो एक कंपनी है यूटीआई, तो यूटीआई का भी निफ्टी 50 ईटीएफ आता है, तो उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो उसका भी बहुत कम है, 0.07% के आसपास है, और कंपनी की जो एसेट वैल्यू है वो भी 23,000 करोड़ के आसपास है, 6 महीने का रिटर्न उनका भी 19% है, 1 साल का रिटर्न उनका 63% के आसपास रहा है, 5 साल में करीब 15-16% उन्होंने भी दिया है, तो इसमें भी सेम अगर आप 1 लाख रुपये 5 साल के लिए छोड़ते हैं तो करीब करीब वो भी 2 लाख रुपये आपके हो जाते हैं। ऐसे ही और भी कंपनियां हैं, जैसे कोटेक का भी आता है, तो कोटेक में भी सेम है कि भाई आपका जो इन्वेस्ट जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत कम है। HDFC का भी निफ्टी 50 आता है, तो उसमें भी उसका एक्सपेंस जो रेशियो है जो आपका खर्चा होता है फंड को निकालने बाइंग या सेलिंग करने में जो फंड का खर्चा या ग्रोथ के साथ में जो पैसे करते हैं तो वो बहुत ही कम होते हैं, उसी को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो
एचडीएफसी का एक्सपेंस रेशियो भी 0.05% के आसपास ही रहता है। साथ के साथ आईसीआई बैंक का भी आता है प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF करके, उनका भी एक फंड है, तो उसमें भी आप इस तरीके से रिटर्न, अच्छा रिटर्न और सेफ रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक पे मेरी चर्चा, और निफ्टी 50 एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, इसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है, साथ के साथ बहुत ही सेफ होता है। तो जिसमें आप जो लोग भी अपना बहुत ज़्यादा अपने पैसे को लेकर के सेफ्टी मेंटेन करना चाहते हैं तो वो ETF की तरफ देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और बिल्कुल सेफ रहता है, इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो भविष्य में बहुत अच्छा रिटर्न भी आपको हासिल होता है। मैंने कुछ एग्जांपल भी आपसे शेयर किया है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताइए, तो मैं आपको उस टॉपिक पर भी वीडियो बना लूँ। नमस्कार, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बाय बाय, शब्बाक है।